हाय नमस्ते सभी को। आप अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब बटन दबा लेना दोस्त। दबाने के बाद बाजू एक बेल आइकन बटन भी दिखाएगी, उसको भी क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद जो भी मैं नया नया वीडियो बनाते रहता हूँ ना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप आराम से देखो सीख सकते। आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको फोटोशॉप में आपका जो भी एक नाम लिखते हैं, टाइटल जो लिखते रहते हैं ना, वो टाइटल को फायर इफेक्ट कैसे बनाना है, टाइटल में एक फोटोज कैसे डालना है, मैं आज एक वीडियो करके आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं जा रहा हूँ कि स्टार्ट में चला जाओ। जाने के बाद यहाँ से Adobe Photoshop 7.0 कहाँ पर है आपका कंप्यूटर में सर्च कर लेना। ऑल प्रोग्राम में जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ से देखो Adobe Photoshop 7.0 दिखाई दे रहा, ओपन कर लो। एक बार ओपन हो जाएगा Adobe Photoshop 7.0। ओपन होने के बाद ऊपर दिखाई दे रहा टाइटल बार, इसे बोलते हैं मेनू बार, जो भी है दिखाई दे रहा ना, ऑप्शंस बार करके बुला सकते हैं। लेयर प्लांट, आपकी कंप्यूटर में लेयर प्लांट हाइड है यहाँ पर नहीं दिखाई रहे तो कहाँ से ले सकते आप, लेयर में चला जाओ। लेयर में जाने के बाद नहीं, विंडोज में चला जाओ। विंडोज में जाने के बाद यहाँ से लेयर करके रहता एक्टिवेशन हो जाता। लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, और इसे बोलते हैं टूल बार। ये भी नहीं रहा, ये भी आपका कंप्यूटर में हाइड है तो यहाँ से टूल बार करके हाइड रहता है, उसे ऑन कर देना। आप ऑन करने के बाद कंप्यूटर में आ जाएगी। आने के बाद मुझे यहाँ से एक फाइल लेना है। फाइल लेने के बाद यहाँ से न्यू फाइल ले लेता हूँ। 4x6 है, मुझे 6x4 करना है। हाइट में 4 है, विड्थ में 6 इंच रखना है मुझे। ओके कर लो, यहाँ पर आ गया। एक पेजेस में ले लिया हूँ। लेने के बाद देखो यहाँ पर एक पेजेस ले लिया हूँ। लेने के बाद अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ भी जो भी एक टाइटल लिखना है ना आपको, मैं लिख रहा हूँ मेरा पसंद का एक टाइटल लिख देता हूँ। कंप्यूटर कैपिटल में लिखता हूँ। कैप्शन लॉक ऑन कर लो, आपकी कंप्यूटर में कैप्शन लॉक कीज ऑन कर लेना। कंप्यूटर कर को लिख दिया। ओके लिखने के बाद इसे मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा चाहिए मुझे। ये पूरा स्क्रीन है ना, यहाँ तक जो पेज है मेरा, यहाँ पर एक लिया हूँ 4x6 तक, इसे थोड़ा सा और बड़ा करना है साइज को। फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो विंडोज में चला जाओ। जाने के बाद यहाँ से कैरेक्टर्स करके मिल जाएगी और उसे थोड़ा सा ऐसे खींच देना, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर रख दो, कहाँ पर भी रखे तो भी चलेगा। रखने के बाद थोड़ा सा साइज यहाँ से भी ज्यादा कर दो, 72 कर दो। ओके कंप्यूटर करके आपको यहाँ से दिख रहा है, आ जाएगा, टेक्स्ट भी बड़ा हो गया। होने के बाद इतना तो मेरा टेक्स्ट तो अभी रेडी हुआ। होने के बाद अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक इसके जो इमेजेस है ना, इसके अंदर फायर इफेक्ट देना है मुझे, जो कंप्यूटर करके दिखाई दे रहा है इसके अंदर फायर आग लगी जैसी इफेक्ट मुझे टेक्स्ट में दिखना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, अभी फायर में जाता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। एक आग की इमेज मेरे पास है, फायर का इमेज मेरे पास डाउनलोड करके रखा हूँ मैंने, और इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगी, और ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है फायर का इमेज लेके आया हूँ कंप्यूटर में। उसे मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, नहीं तो कंट्रोल ए कर दो यही पेज के ऊपर, कंट्रोल एक्स कॉपी पेस्ट, कंट्रोल ऑल सेलेक्शन एंड पेस्ट कर दिया। ओके नेक्स्ट इसके ऊपर चला जाओ, ये पेज के ऊपर कंट्रोल वी कर देना, आपकी फायर इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगी। और इसे मैं क्या कर लेता हूँ, अभी देखो यहाँ पर रख रहा हूँ और इतना जगह मुझे और चाहिए, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद फ्री ट्रांसफॉर्म स्केल करके चले जाओ। स्केल में जाने के बाद शिफ्ट पकड़ को ऐसे स्केल कर देना। स्केल करने के बाद ऐसे आ जाएगी, एंटर दबा दो। एंटर दबाने के बाद एक बार देखो टेस्ट के पीछे कैसे हमारा एडिट आ रहा। अब ये लेयर देखो, इसके कंप्यूटर नीचे है, वन लेयर इसके ऊपर है, इसलिए इसे नीचे कर दिया तो कंप्यूटर उसका ऊपर होगा और ये नीचे चला जाएगा। और मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, रहने दो। और थोड़ा सा इसका ओपेसिटी कम करके देखो, ऐसे ऐसे हमारा इफेक्ट यहाँ पर दिख रही है। और मैं इसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर जाता हूँ। कंप्यूटर ऊपर जाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट में चला जाओ। सेलेक्ट में लोड सेलेक्ट करके रहता, यहाँ से लोड सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट हो जाएगी, सेलेक्ट होने के बाद आपका इमेजेस है फायर इमेजेस, उसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसा, नहीं तो कॉपी पेस्ट भी कर लो, कंट्रोल एक्स भी दबा सकते हैं। कंट्रोल एक्स नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, आ गया। ये देखो कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, इसको सेलेक्शन कर दिया, तो सेलेक्शन करने के बाद कॉपी पेस्ट कर लिया तो ऐसा मुझे फायर इफेक्ट आ जाएगी। और इसे क्लिक कर दो, इतना हो गया। और इसे दोनों पकड़ को मर्ज कर देता हूँ मैं, जो लेयर ये लेयर वन लेयर टू लेयर और कंप्यूटर, ये दोनों मर्ज ग्रुप कर दे रहे। इसे खींच को ऐसे नीचे रख दो, दोनों लेयर एक है यहाँ पर जो कंप्यूटर को दिखाई दे रही है। और इसे थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, और चेंजेस कर लेता हूँ। राइट क्लिक कर दो, इसे लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक कर लेना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से रिस्टराइज लेयर करके आ जाएगी। लेयर में कन्वर्ट हुआ, होने के बाद ये दोनों मर्ज करना है तो लेयर में चला जाओ। लेयर में जाने के बाद यहाँ से मर्ज डाउन करके आ जाएगी, मर्ज डाउन कर सकते हैं। देखो मर्ज डाउन हुआ। होने के बाद अभी क्या करना है, ये जो फायर का इमेज था ऊपर का बंद कर दो। अभी हमारा टेक्स्ट फायर का टेक्स्ट दिखाई दे रही है। देने के बाद अभी मुझे इसे थोड़ा सा और एडिट करना है, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, फिल्टर में जाता हूँ। नहीं फिल्टर में नहीं, फिल्टर में जाओ या दूसरे में चलेगा,
फिल्टर में जाता हूं, जाने के बाद यहां से लिक्विफाई करके मिलेगा आपको ऑप्शन लिक्विफाई। लिक्विफाई के ऊपर जाने के बाद ये देखो ऐसे पकड़ो, ब्रश मिलेगी आपको यहां से, ये देखो फर्स्ट वन ब्रश है, ये भी ब्रश है। ये ब्रश क्या काम करेगी, थोड़ा सा साइज उसका बड़ा करके दिखा देता हूं, ये देखिए ऐसे रोटेशन हो जाएगा फॉन्ट को, ऐसे रोटेशन होता, और ये नीचे ये रोटेशन करो और ये थोड़ा सा रोटेशन होता, ठीक है, और ये थोड़ा सा जूम होता, ऐसे थोड़ा सा जूम हो जाएगा। और ये क्या काम करता है देखो, ऐसे थोड़ा सा चेंजेस भी होते रहते हैं, ऐसे होने के बाद अभी क्या करना है, अभी जो ये सभी सेटिंग्स है आपको कैसे चाहिए वैसे आराम से आप यूजेस कर सकते हैं, उसमें क्या कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, ये फर्स्ट वन टूल्स, ये देखो बहुत थोड़ा सा ये हुआ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल अल्ट जेड कर दो, इतना रहने दो। और रहने के बाद अभी यहाँ पर एक टूल्स रहता आपको वार्प टूल करो, ये पकड़ को थोड़ा सा ऐसे खींच दो ऊपर का, अभी थोड़ा सा छोटा करना है मुझे ब्रश, यहाँ से थोड़ा सा ब्रश छोटा कर दो, देखिए ऐसे आप आराम से एडिट कर सकते हैं। कंप्यूटर को मैं बना रहा हूँ, फायर इफेक्ट का आपको मिल जाएगी। ओके अभी होने के बाद, इतना सारा होने के बाद अभी क्या करना है आपको, ओके ओके कर को दबा देना, देखेंगे कैसा इफेक्ट होता। ये पूरा कंप्लीट होने तक रुकना चाहिए, हुआ इतना होने के बाद अभी मैं क्या कर लेता हूँ, ये आपका जो फायर इफेक्ट था उसे ऑन कर लो। ऑन करने के बाद उसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना, ऐसा तो है, इसका ओपेसिटी और थोड़ा सा कम कर दो, नहीं तो ज़्यादा कर दो, और नॉर्मल में जाने के बाद थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। होने के बाद मुझे और थोड़ा सा क्या करना है, इसके नीचे जो इफेक्ट बनाना है ना, इतना होने के बाद जो भी मैं टेक्स्ट यहाँ पर दे दिया हूँ, देने के बाद अभी क्या करना है मुझे, ऐसा एक टेस्ट में एक फायर इफेक्ट देखो, लिक्विफाई इफेक्ट देने के बाद ऐसा मेरा टेस्ट हो गया। होने के बाद मुझे क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट लेना है मुझे, कंट्रोल जे दबा दो डुप्लीकेट हो जाएगी कीबोर्ड में, डुप्लीकेट होने के बाद और एक फॉन्ट आ जाएगा, कंट्रोल टी दबा दो, दबाने के बाद राइट क्लिक कर देना, यहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर दो और ऊपर का पकड़ को ऐसे नीचे खींच दो, नीचे खींचने के बाद एंटर, एंटर दबाने के बाद ऐसे रख देना है, ऐसे रख देने के बाद और इमेज में चला जाओ, इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट जाने के बाद हुल सेचुरेशन ब्लैक एंड व्हाइट, थोड़ा सा शैडो बना ले रहा हूं मैं, और फिल्टर में जाओ, यहां से फिल्टर में जाने के बाद ब्लर गौशम ब्लर थोड़ा सा स्मूथ, ओके, और इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना, यहां से ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर दो, आप आराम से कम करके ऐसे लिख सकते हैं। होने के बाद यहां से मुझे और थोड़ा सा कलर देना है, तो यहां से न्यू लेयर ले लो, लेने के बाद कलर ले लो, कलर कैसा है कलर ले लो, आपको कैसा चाहिए वैसा कलर आप दे सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसा कलर ले लेता हूँ, ओके दबा दो, दबाने के बाद कंट्रोल नहीं दो, यहाँ ये लेयर पकड़ को ऐसे इसके नीचे रख दो, ऐसा हमारा टेक्स्ट आपको बन जाएगा, आराम से देख सकते हैं। और इसे भी थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं और कुछ इफेक्ट देना है तो भी आप आराम से ऐसे सेलेक्शन कर लो, इफेक्ट आप अप्लाई करके भी काम कर सकते हैं, ओके ऐसे इफेक्ट दिखाई, ओके कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसा भी इफेक्ट आपको मिल जाएगी, आप आराम से एडिट करके ऐसे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया लगता है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद सेव एज कर दो, सेव एज PSD करके रहता है, यहाँ से JPG करके दबा देना, JPG करने के बाद 0.1 सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर दिया, सेव करने के बाद एक बार मुझे देखना है फायर इफेक्ट कैसे हुआ है मेरा टाइटल करके, होने के बाद यहाँ से ओपन कर दो, आपको दिखाई देगा कि कंप्यूटर में ऐसा एक टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं, जो भी एक टाइटल है उसके अंदर एक इमेज डाल को हमें कैसे भी एडिट कर सकते हैं, आपको पता चल गया, ठीक है दोस्तों, और मिलेंगे नया वीडियो के साथ। अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर देना, करने के बाद बाजू एक बेल आइकन बटन भी दिखाएगी उसको भी क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद जो भी मैं नया नया वीडियो बनाते रहता हूँ ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ, नमस्कार।